क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में शादी के समय नारंगी रंग के सिंदूर का प्रयोग क्यों किया जाता है? हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। रामायण और महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। सिंदूर कई रंग के होते हैं, लाल, नारंगी, गुलाबी। ज्यादातर शादियों में सिंदूर लाल रंग का होता है। वही बिहार और झारखंड के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिंदूरदान के लिए नारंगी और गुलाबी रंग का सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। पौराणिक कथाओं में नारंगी रंग का सिंदूर का जिक्र है। कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी को पता चला कि श्री राम सीता द्वारा सिंदूर लगाए जाने से खुश होते हैं, तो उन्होंने अपने सारा शरीर में नारंगी रंग का सिंदूर लगा लिया। इस तरह सिंदूर से रंग कर वे श्री राम की सभा में उनके प्रति अपना समर्पण दिखाया। सिंदूर दान के समय इस रंग के सिंदूर का प्रयोग पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति समर्पण को दर्शाता है। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि जब भी शादी विवाह होती है तो शादी अक्सर देर से शुरू होती है, खत्म होते होते पाँव फटने लगते हैं। सिंदूरदान का समय आते आते सुबह होने लगती है, इसलिए सिंदूर की तुलना सूर्योदय के समय होने वाली उस लालिमा से की जाती है जो हल्के नारंगी रंग की दिखाई पड़ती है। उम्मीद की जाती है कि जिस तरह सूरज की किरणें हर दिन लोगों के जीवन में एक नई सुबह, दिव्य ऊर्जा और खुशहाली लेकर आती है, उसी तरह यह सिंदूर दुल्हन की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आई। रात से लेकर सुबह तक होने वाली रस्मों के पीछे यही मान्यता होती है कि परिवार के कुटुंब के साथ चांद, तारे या सूर्य भी विवाह के साक्षी बन सके। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।